वेलकम टू ईकाउंट सॉफ्टवेयर चैनल। आज हम इस ट्यूटोरियल में ईकाउंट सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। साथ ही अगर आपको लाइसेंस के सारे डिटेल्स चाहिए तो वो आप सॉफ्टवेयर में कैसे देख सकते हो वो भी देखेंगे। और अगर आपको रिक्वेस्ट सपोर्ट डालना है तो वो आप कैसे डाल सकते हो सॉफ्टवेयर में से, उसका भी हम डेमो देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ईकाउंट सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहले ईकाउंट वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईकाउंट की लिंक डाल रखी है। अगर आपके डेस्कटॉप में .NET फ्रेमवर्क डाउनलोड नहीं है तो आपको वो सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होगी। ईकाउंट वेबसाइट पे हमें डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर डाउनलोड वाला पेज आ जाएगा, जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। जैसे कि मैं आपको एक डिटेल्स डाल के दिखा रही हूँ। हमारा जो भी नाम है वो इधर हमें डिफाइन करना है, मोबाइल नंबर हमें मेंशन करना है, बाद में हमारी जो सिटी है वो सिटी डालनी है, ईमेल आईडी है तो वो इधर आपको मेंशन करना है। बाद में आपको कौन से सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर है या प्लाइवलेम सॉफ्टवेयर, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। मुझे ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर चाहिए तो मैं ट्रांसपोर्ट सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर रही हूँ। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड में जाना है, तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। आपका जो भी डाउनलोड वाला फोल्डर है आपको उसमें जाना है, तो एपिक वाली एक zip फाइल क्रिएट हो जाएगी, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एपिक करके एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, आपको उसमें एपिक के ऊपर राइट क्लिक करके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। वेलकम टू ईकाउंट सेटअप विजार्ड, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। बाद में टर्म्स एंड कंडीशन में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। बाद में आपको जो भी आप पाथ सिलेक्ट करना चाहते हो, जहां आपका अकाउंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चाहिए, वो पाथ अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो पाथ आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, कन्फर्मेशन इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते ही डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्लोज के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके डेस्कटॉप पे एक अकाउंट वाली शॉर्टकट की आ जाएगी, आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इनसे ही हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको कंपनी का नेम डालना है, सपोज कि मेरी कंपनी है खुशी ट्रांसपोर्ट करके। बाद में बिजनेस टाइप में आपको कौन सी कंपनी क्रिएट करनी है, ट्रांसपोर्टर की करनी है, ट्रेडर्स वाली करनी है, प्लाईलेम वाली करनी है, जो भी आप करना चाहे वो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप इधर से कर सकते हो। बाद में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, आप ये सारे सेटअप भी कर सकते हो। अगर आपको कंपनी का एड्रेस है, जीएसटी नंबर है, वो सारी डिटेल्स आप मेंशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बाद में आपको क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट कंपनी के ऊपर क्लिक करते ही कुछ ही मिनटों में आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इधर आप देख सकते हो कि हमने जो भी कंपनी क्रिएट की थी वो इधर आ गई है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपने जो भी कंपनी क्रिएट की थी वो इधर ओपन होके आ जाएगी। इसमें सारे
ऑप्शन भी यूज कर सकते हो। इस तरह इजीली आप अकाउंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको अपनी कंपनी की लाइसेंस इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको अकाउंट डैशबोर्ड पे यूज़र पर क्लिक करना है तो एक साइड विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको लाइसेंस इन्फो के ऊपर क्लिक करना है। लाइसेंस की सारी डिटेल्स आ जाएगी जिसमें रिन्यूअल डेट, रिन्यूअल अमाउंट, रिन्यूअल नोट हमने दे रखा है। अगर आपको रिन्यू करवाना है तो आपको रिन्यू नाउ के ऊपर क्लिक करना है तो आप इधर से डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हो। कोई क्वेरी है या तो फिर आपको हेल्प या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें रिक्वेस्ट सपोर्ट भी डाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रिक्वेस्ट सपोर्ट की एंट्री कैसे करते हैं। अकाउंट डैशबोर्ड पे हमें रिक्वेस्ट को सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, उसमें सपोर्ट रिक्वेस्ट में जाना है जिसमें आपको सबसे पहले अपना नेम डालना है, बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको इधर एंटर करना है, बाद में किस रिलेटेड आपको इश्यू है वो इश्यू इधर आपको सिलेक्ट करना है, जो भी इश्यू है वो इधर आप डाल सकते हो। आपका जो भी इश्यू है वो आप अगर डिटेल में लिखना चाहते हो तो वो आप इश्यू डिटेल्स में लिख सकते हो। बाद में अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट या इमेज ऐड करनी है तो वो आप इधर से कर सकते हो। बाद में ऐड पर क्लिक करना है तो आपको अपना टिकट नंबर मिल जाएगा, ओके के ऊपर क्लिक करना है। आपके डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो कि अनरीड इश्यू में आपकी जो भी एक क्वेरी थी वो क्वेरी इधर आ गई है। जैसे ही सपोर्ट टीम आपका इश्यू देख लेती है वो ओपन इश्यू में चला जाएगा। जैसे ही सपोर्ट टीम आपका इश्यू रीड कर लेती है आपका जो भी रिक्वेस्ट सपोर्ट है वो ओपन इश्यू में आ जाएगा। आपकी क्वेरी जैसे ही सॉल्व होती है या आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाता है तो वो क्लोज में चली जाएगी। सपोज कि आपकी जो भी वो सॉल्व हो गई है, आपको उसका सॉल्यूशन मिल गया है तो वो ओपन इश्यू से निकल के क्लोज इश्यू में ऐड हो जाएगी। इस तरह इजीली आप रिक्वेस्ट सपोर्ट में अपनी क्वेरी डाल सकते हो। थैंक यू। हमारे ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।